बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू दुबई फतेह चैनल। काफ़ी सारी CVs मुझे रेगुलरली मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे भेजते रहते हैं और उनमें एक कॉमन मिस्टेक सारे लोग करते हैं और मैं हमेशा अपनी पुरानी वीडियोस में भी अगर आप देखें तो मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ कि जो CV है वो आप लोगों की सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप एक प्रॉपर CV नहीं बनाएंगे या अननेसेसरी उसको प्रोलॉन्ग कर देंगे, बहुत लंबा कर देंगे अपनी CV को, तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। जो कॉमन मिस्टेक करते हैं जितने भी लोग होते हैं वो अपनी CV में, एक तो वो अपनी जो फ़ोटोज़ होती है वो अपनी कैजुअल फ़ोटोज़ लगा देते हैं जो उन्होंने फेसबुक पे इंस्टा पे वो लगाई होती हैं, वो फ़ोटो अपनी लगा देंगे, वो CV के ऊपर भी प्रॉपर उनकी फ़ोटोज़ नहीं होंगी। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी कुछ ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ कि कैसा आपको एक प्रॉपर जो फ़ोटो है वो आप लोगों को लगानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो हो गई फ़ोटो की बात। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है कि आप जो अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, जो अपनी अपनी एजुकेशन, जो क्वालिफ़िकेशन लिखते हैं, वो जो आपकी लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन होती है वो आपकी टॉप के ऊपर आएगी। मीन अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने MBA किया हुआ है, तो सबसे पहले आप MBA करेंगे, उसके बाद जो भी आपके जो इंटर है, हाई स्कूल है, मैट्रिक है, वो सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंगली आएंगी। ये एक जो एक चीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक। और उसके बाद अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो वो भी आपने जो सबसे लेटेस्ट जॉब है वो आपने टॉप के ऊपर रखनी है, और उसके बाद जो आपका पुराना एक्सपीरियंस है वो आपने नीचे रखना है। हर जॉब के बाद आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास 3 से 4 जॉब्स का एक्सपीरियंस और आप हर जॉब की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रहे हैं तो आपकी CV 3 से 4 सफ़ों की हो जाएगी। मेन जो आपकी लास्ट जॉब है, जो आपकी लेटेस्ट जॉब है, करंट जॉब है, उसकी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने डालनी है। उसके बाद जो दूसरी है उसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर डाल भी रहे हैं तो 3 से 4 डाल दें, अगर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी रिक्रूटर होता है वो आपकी करंट जॉब को ही देख रहा होता है। इसके बाद जो फ़ॉन्ट होता है, जो आप लिखा होता है, राइटिंग होती है, वो कई किसी जगह पे कई लोगों ने डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ किए होते हैं, किसी जगह पे डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ किए हुए हैं, किसी में जो फ़ॉन्ट का जो नंबर होते हैं वो हाई किए होते हैं उनको, बड़ा फ़ॉन्ट होता है, किसी जगह पे छोटा फ़ॉन्ट होता है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है जब आपकी CV किसी को, आप लोग अपनी CV को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो आपकी CV देख के आपको जज कर लेता है यार कि ये बंदा सीरियस है, ये बंदा सीरियस नहीं है। इसके ऊपर मैंने अपनी पास्ट वीडियोज़ में भी आपको कुछ फॉर्मेट्स दिए थे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो फॉर्मेट्स से आप लोग नीचे अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिफरेंट 5-6 फॉर्मेट्स मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं, बना के स्पेशली आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। आप एक एक फॉर्मेट को डाउनलोड करें और उसके बाद आप उसको अमेंड कर लें, जैसे मैंने आपको बताया। आप प्रॉपरली उसको अगर अमेंड करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छी और बिल्कुल फ्री CV बना सकते हैं, क्योंकि CV हमेशा आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है और आपको मालूम है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली ईमेल के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल भी अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।